हल्द्वानी में एसएसपी पंकज भट्ट ने सेक्स रैकेट के मामले का खुलासा किया है। हल्द्वानी कोतवाली में खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई मुख्य अभियुक्ता तानिया, जो कि लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलती थी, इसके द्वारा कई लड़कियों से अलग अलग ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। तानिया अधिकतर नाबालिग बच्चियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डालकर पैसे कमाती थी। ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। इसके साथ कुछ अन्य साथी भी पश्चिम बंगाल के हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है और सभी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें 14 तारीख को वेस्ट बंगाल से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग जो बच्ची है उसको एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन की ओर लेके जा रहा है। इस सूचना पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा काम किया गया, उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया। ये जो व्यक्ति था वो फरार हो गया। इसके बाद जो उसका हाउस था उसमें जाकर के पुलिस द्वारा जो तलाश करने की कोशिश की गई तो उसमें इनके द्वारा कांस्टेबल से मारपीट की गई। इसमें मुकदमा कायम करके 3 लोगों की पुलिस द्वारा अरेस्टिंग की गई। इस पर लगातार पुलिस काम कर रही थी। इसमें तानिया का नाम सामने आया था कि ये नेटवर्क ऑपरेट करती है और इसके द्वारा यहाँ पे लगातार ऐसी गतिविधियाँ की जा रही हैं। पुलिस द्वारा इसका पूरा आपका नेटवर्क तलाशा गया, उसके बाद इसमें 3 महिलाओं और 3 पुरुषों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा पुलिस द्वारा 2 होटलों जहां ये आपका जो ये कार्य किया जाता था जिन होटलों में, उनके रजिस्टरों को और उनके CCTV को कब्जे में लिया गया है। इसके आधार पर उन दोनों होटलों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें एक महिला को और रेस्क्यू किया गया है। इसमें अभी तक जो ADTF द्वारा हमारी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। तो 100% देह व्यापार में इनके द्वारा डाला गया था और लगातार उसके साथ जो है देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा था और उसको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस बीच में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस द्वारा इस पर तेज़ी से कार्रवाई की गई। जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है, पिछले 9 महीने से तानिया द्वारा बताया गया है कि वो अलग अलग शहरों में इसको ऑपरेट कर रही है। बनाने देख रहे हैं जरा।